नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज मैं आपको सिखाऊंगी कुर्ती और पफ वाली बाजू की कटिंग। ये हमारा फैब्रिक है। सबसे पहले हम कमीज का कपड़ा अलग निकाल लेते हैं। ये अरज की तरफ से मतलब दोनों कहानी फोल्ड करके हम कपड़े की लंबाई निकालेंगे। दो इंच नीचे फोल्ड करने का छोड़ के हम कुर्ती की लंबाई निकालते हैं। कुर्ती की तैयार लंबाई है 50 इंच, तो हम ये 50.5 इंच कपड़ा अलग निकाल लेते हैं। इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे, इसमें बिल्कुल भी कांड नहीं आएगी इस तरीके से अगर हम कटिंग करेंगे तो, और इसको अलग निकाल लेंगे। ये जो हमारे नीचे फूल है, फूल के साथ फूल को मिलाएंगे दोनों का कपड़े की, ये मतलब जो हमारी कमीज की ये चौड़ाई है बराबर हो जाएगी। इसको फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले लगाएंगे हम तीरे का निशान। तीरा लेंगे हम 7 इंच, क्योंकि इसमें हमें इसका बोट वाला गला बनाना है तो हम इसका 7 इंच का तीरा लेंगे। 7 इंच का ही हम इसमें मुंह डालेंगे। सत्रह इंच की हमारी चेस्ट है। पंद्रह इंच की हमारी कमर है। 18 इंच की तैयारी हिप है। साढ़े 7 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे और इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। अब इसकी देखना आप, हमें इसकी हिप तैयार करनी है 12 इंच पर, तो हम यहाँ हिप का निशान लगाएंगे 12 इंच पर। 12 इंच पर हमने हिप का निशान लगाया तो हमने कमर का निशान बिल्कुल जितना हम तैयार लगाते हैं 7.5 इंच पर उतना ही हमें कमर का निशान तो उतना ही लगाना है। हिप हम चाहे 12 इंच पर करें चाहे हम 14 इंच पर करें, हिप का निशान हमें वहीं लगाना है जहाँ मतलब हमें तैयार रखना है। 18 इंच पर हमारी हिप 18 इंच की तैयार है तो हम 12 इंच पर हिप का निशान लगाएंगे। ये इस तरीके से ये हमारा घेर है। घेर में 18 इंच का तैयार रखना है। 1 इंच हम मुड्ढे की गोलाई करेंगे इस तरीके से, और ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों से इसकी कटिंग करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए।
इस तरह से कमीज की कटिंग कर लेंगे, आप इंच ऊपर से मुड्डे की तीरे की कटिंग कर देंगे। फ्रंट वाले हिस्से का एक इंच, एक या पौना इंच हम ऊपर से कम करेंगे बैक वाले हिस्से से। अब अरमोल की कटिंग करेंगे पौना इंच। ये होगी इस तरीके से, ये होगी हमारी कमीज की कटिंग। अब निकालनी है हमें पफ वाली बाजू, ये हमारा बाजू के लिए कपड़ा है। इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करेंगे। ये हम कढ़ाई कढ़ाई के बीच में ले लेते हैं, ये जो हमारा प्लेन कपड़ा है उसको अलग रख लेते हैं। तो ये है हमारा बाजू का कपड़ा। बाजू हमें तैयार कितनी रखनी है, 20 इंच की हमें बाजू तैयार रखनी है। 1.5 इंच कपड़ा आगे फोल्ड करने का छोड़ के यहाँ से हम नापते हैं बाजू कितनी तैयार रखनी है, 20 इंच की बाजू हमें तैयार रखनी है। यहां तक तो लगा लिया हमने बाजू का निशान। अब हम इसमें लेंगे 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा, 5 या 5.5 इंच। तो हम यहाँ 5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। बाजू की गोलाई करेंगे हम यहाँ से, जितनी पौनी बाजू की हम गोलाई करते हैं सेम तरीके से हम 3 इंच पर आगे गोलाई का निशान लगाएंगे। बाजू की मोरी कितनी रखनी है हमें, बाजू की मोरी तैयार रखनी है हमने 4 इंच। तो हम यहाँ 4 इंच की बाजू की मोरी का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। और ये जो हमने गोलाई का निशान लगाया है 3 इंच, यहाँ तक हम इसको मिला लेंगे। यहाँ इस तरीके से अब हम बाजू की गोलाई करेंगे, पौनी बाजू की जितनी हम गोलाई करते हैं उस हिसाब से। यहाँ तक तो बाजू हमने सेम काटनी है, जहाँ जितनी हम पौनी बाजू काटते हैं और जो हमारा पौनी बाजू काटने का तरीका है तो ये वो तरीका होता है वहाँ तक। अब जितना हमने पफ लिया है ये 5 इंच का, तो यहाँ से लेके हम यहाँ धीरे धीरे ये इस तरीके से हम बाजू की, ये पफ वाले बाजू की कटिंग करेंगे। जितना हमने मतलब ये 5 इंच ऊपर कपड़ा लिया है 5 इंच का ही हम यहाँ निशान लगाएंगे, 5 इंच का मुड्ढे का 5.5 इंच का, ठीक है। और यहाँ तक हम इसकी गोलाई कर देंगे। ये हमारी पफ वाली बाजू की कटिंग है, जहां हमने ये निशान लगाया है रफ मतलब अंदर वाला निशान, तो हमारा ये हो जाएगा। और ये जो रफ निशान लगाया है मतलब एक्स्ट्रा कपड़े का, यहां से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये है हमारी पफ वाली बाजू की कटिंग। इस तरह से दोनों तरफ से मतलब चुनट्टे डालते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कमीज विद पफ वाली बाजू, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।